हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और हम समझने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। यस, ये हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, एट दैट टू सिर्फ इंडियन कंपनीज वाले सेक्शन को। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कंपनीज के लिए हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जहां पर हमने कुछ ट्रिक्स देखी है और पूरा मैटर हमने यहां पर कवर किया है। तो जिसके MCQ नहीं भी होंगे आपके मॉड्यूल में, वो सारा मैटर हमने कवर कर लिया है। सो यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन After watching that video. Now, Indian companies के केस में part 1 में हमने कुछ 6-7 companies already देख ली हैं। बची हुई companies आज हम part 2 में देखेंगे और जरूरत लगी तो हम part 3 भी इसका create करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए start करते हैं। हम देखते हैं कि Indian companies as a business organization क्या क्या यहाँ पर उनकी information हमें exam के perspective से important है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़ेंगे अच्छा से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहली कंपनी जो हम देखने वाले हैं वो है सिप्ला। यस, सिप्ला लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। हम ऑलरेडी आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं हम कहां से कहां तक आए हैं, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ट्रिक्स आपको बता रहे होंगे, बट बिलीव मी सारी ट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, मैं आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आप मेमोराइज करने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी विल बी कवरिंग ऑल द मैटर। मतलब कि हम एक से एक सब चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं जिसके लिए MCQ आ सकता है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करवाऊंगा, हाईलाइट करवाऊंगा, छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगा और हम ऐसे एक एक कंपनी स्विच करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तक हमने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। अब जैसे हमने छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे बताई थी आपको कि भारत पेट्रोलियम है तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है, तो वहां पर सब कुमार लोग होते हैं, राइट? तो कुमार लोग होते हैं तो उनको याद रखने की टेक्निक क्या है कि गवर्नमेंट यानी कि कुमार लोग, प्यार से बात करो उनसे। ठीक है, तो राजकुमार है, शिवा कुमार है, ये इसके चेयरमैन है और CFO है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी टेक्निक मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे और हाईलाइट करते जाएंगे कि उनका मिशन इंपॉर्टेंट था उस तरीके से। चलिए तो अब बात करते हैं सिप्ला। अब सिप्ला एक कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और सिप्ला की बहुत सारी मेडिसिन आती है, इनका बहुत बड़ा R&D सेगमेंट है और बहुत पुराने सालों से काम करते आ रहे हैं। नाउ सिप्ला, इसका सबसे पहले आपको टैगलाइन याद रखना है, केयरिंग फॉर लाइफ। तो सी से सी आप याद रख सकते हैं, सी फॉर सिप्ला एंड सी फॉर केयरिंग फॉर लाइफ। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है और वापस आ सकता है, इसलिए मैं इसको यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। तो केयरिंग फॉर लाइफ आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ना, मुंबई बेस्ड है। ओके, सो हेडक्वार्टर मुंबई में होगा इसका और यहाँ पर इनकी जो चेयरमैन है वो है YK हमीद। ओके, जो प्रेजेंट हेड यानी कि MD और CEO है वो है उमंग वोहरा और CFO है इनके केदार उपाध्याय। अब ये इनको हम याद करने की टेक्निक आपको बताएंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये एक लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। ठीक है, कंपनी हैज अबाउट 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इनके चलते हैं, 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज है, कैटेगरीज ठीक है, मतलब 60 कैटेगरीज में 1500 प्रोडक्ट इनके चलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक है और कुछ इंटरनेशनली सेल किए जाते हैं मोर देन 150 कंट्रीज के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिप्ला कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है द कंपनी ऑल्सो मेक्स बल्क ड्रग्स, एग्रोकेमिकल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज वेल। सिप्ला हैज अर्न्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन फॉर अडेयरिंग टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड रिसीव्ड अप्रूवल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है। नाउ जो पूछा जा सकता है वो क्या है, केयरिंग फॉर लाइफ पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अब कंपनी की हिस्ट्री पे अगर आप आएंगे तो कंपनी वॉज फाउंडेड एज द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद। अब देखिए, हमीद आपको नाम इसलिए याद रहना चाहिए, ख्वाजा यानी कि ये एक नेक काम है, बराबर है? तो ख्वाजा ने जो बोला है वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर इलाज देना और गरीबों की मदद करना और हेल्थ का केयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है और बहुत ही क्या कहते हैं, एक अपने आप में नोबल प्रोफेशन है। तो ख्वाजा से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ख्वाजा हमीद रिलेटेड टू सिप्ला है। तो ऐसे चार ऑप्शंस में कहीं भी आपको ख्वाजा हमीद नाम दिख रहा है तो सिप्ला आपको वहां पर टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स में आपको बताऊंगा। सो ख्वाजा को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर।
ख्वाजा हमीद। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब ख्वाजा हमीद के साथ में आपको एक और क्या याद रहेगा, अब ख्वाजा देखिए ये एक अपने आप में एक रिलीजियस नेम है, ठीक है। ख्वाजा आप रिलेट कर पाते हैं भगवान से, गॉड से, अल्लाह से आप रिलेट कर पाते हैं। वैसे ही केदारनाथ, केदारनाथ से आप शिव भगवान को याद करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर जो इनके CFO है वो भी कौन है, केदार उपाध्याय है। तो केदार और ख्वाजा, इस तरीके से आपको ये दोनों नाम याद रहेंगे। देखिए एग्जैक्ट नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी टेक्निक आप याद रखिए तो आपको वो वहां पर याद आ जाएगा। सो यहाँ पर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने 1935 में कंपनी बनाई थी। कंपनी का जो नाम है वो सिप्ला कब हुआ, 1984 में हुआ। 1985 में USFDA अप्रूव्ड द कंपनीज बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये ईयर्स आपको याद रहे तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। नाउ अब स्लोगन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, केयरिंग फॉर लाइफ। विजन इनका एक नॉर्मली है, बट एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों विजन में इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल विजन है इनका, मिशन भी ठीक है। हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसके ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर। तो मेडिसिन की लाइन में दोस्तों दो चीजें होती है, एक तो ड्रग बनता है जेनरिक स्टाइल में, ठीक है। तो जेनरिक मतलब कि ओरिजिनली जो ड्रग बनाया गया है वो, और जेनरिक के अलावा दूसरी बहुत सारी ब्रांड्स होती है, फिर वो उस जेनरिक को पकड़कर अपना खुद का एक ड्रग बनाती है। मतलब ड्रग्स तो वही है, जेनरिक ड्रग वही है, बट उनका जो प्रोडक्ट होता है उसका वो नाम अलग कर देते हैं, ठीक है। सो जेनरिक ड्रग बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 200 जेनरिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs जिन्हें बोलते हैं वो सिप्ला बनाती है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट बिजनेस इन न्यूज, तो यहां पर आपको एक याद रखना है किसका, एक्विजिशन का आपको पॉइंट यहां पर याद रखना है। मेडिलैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, यानी कि सिप्ला की सब्सिडरी कौन है, तो वो है मेडिलैब, ठीक है। मेडिलैब ने 75% अक्वायर किया है किसके अंदर, मैब फार्म के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको एक मर्जर एक्विजिशन वाला पॉइंट इसमें याद रखना है। तो कितनी चीजें हो गई यहाँ पर, आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है ख्वाजा का नाम, दूसरा केदार का नाम, तीसरा केयरिंग फॉर लाइफ आपको याद रखना है, और साथ ही में आपको याद रखना है कि इसका एक्विजिशन और मर्जर का केस, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, सिप्ला हो गया है। कोल, हम बहुत कम कम टाइम देंगे ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे बढ़ते जाए। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली एंटिटी है, कोलकाता इंडिया के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। प्रेजेंट हेड कौन है, मिस्टर अनिल कुमार झा। CFO कौन है, मिस्टर चंदन कुमार डे। ओके, सो यहाँ पे अब कोल इंडिया लिमिटेड कौन है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली ही एक कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर उसको संभालती है। सो इसका काम क्या है, देखिए इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड कोल माइनिंग कंपनी है, ध्यान से सुनिए, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है कभी कभी MCQ में आपसे पूछा जाएगा हु इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, ऐसा करके, ठीक है। और आपको चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कोल वाले सेगमेंट के अंदर हमारे कोर्स में कितनी कंपनीज है। तो अगर दो कंपनीज है तो उनमें से कोई एक आंसर होगा ना, जो आपके यहाँ पर कोर्स में कंपनी है ही नहीं डिस्क्रिप्शन में, वो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो अगर उस सेगमेंट में यहाँ पर CIL अकेला है कोल इंडिया लिमिटेड, तो आपका आंसर वही होगा बस। तो आपको कंपनीज के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, ये हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है दोस्तों, सो अब इसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम आगे चल सकते हैं। कंपनी हिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलोसॉफी में कोई इतने यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर वो है पोर्टफोलियो, इसका पोर्टफोलियो एंड जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दोस्तों इसकी 7 होली ओन्ड सब्सिडरीज है, किसकी, CIL की, ठीक है। और 8 एक और है जो थोड़ा सा अलग काम करती है। अब इन सबके अगर आप थोड़े से नाम देखेंगे तो देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL है, प्रोड्यूसेस कोल थ्रू 7 ऑफ इट्स होल ओन्ड सब्सिडरी, दीज आर ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्दर्न, ठीक है। तो ये नाम तो आपको थोड़े लग रहे हैं, रीजन वाइज इन्होंने यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा पूरा एक भारत पकड़ लीजिए और महानदी कोल्ड फील्ड्स, तो इनको नाम एक बार पढ़ लीजिए, आपको रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये लेक्चर पता है कैसा है कि इसको बस आप बुक खोल के सामने बैठ जाइए, उसको सुनते जाइए, आपको सब चीज़ें रजिस्टर हो जाएगी, कुछ भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, अब JV किसके साथ में इसका, तो ये देखिए, इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड इन 2009 acquisition of coking coal properties outside India,
ठीक है, एनसीएल एनटीपीसी, तो दो इसके यहाँ पर अपने आप में जेवीज है, या पढ़ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीआईएल। सीआईएल में हमने क्या क्या चीजें याद रखी है कि 7 सब्सिडरी है, ये आपको याद रखना है। इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब बात बचती है कि यहाँ पे सीआईएल के जो सीएमडी है और सीएफओ है, उनका नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इसकी टेक्निक क्या है, छोटा सा पॉइंट है, आप कुछ भी बना सकते हैं। याद करने के तरीके मैंने जो बनाए मैं आपको बता देता हूँ। ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑब्वियसली कोल माइंस के अंदर काम करते हैं, राइट। अभी माइंस के अंदर काम करते हैं तो माइंस में जाने के बाद में क्या दिन और क्या रात, तो वहां जाने के बाद में क्या दिन और क्या रात, ठीक है, तो डे और नाइट क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिस्टर झा, अनिल कुमार झा इसके सीएमडी है, ठीक है, और ये है मिस्टर चंदन कुमार डे, ये कौन है, हमारे सीएफओ है। अब देखिए दोनों नाम साथ में नहीं आएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा कि सीएमडी कौन है, या आपसे पूछा जाएगा सीएफओ कौन है, या एमडी कौन है। तो अगर आपको उनके सरनेम्स भी याद रह जाते हैं तो आप उसमें से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, सो कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर हमारी फिनिश होती है। अब चलते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड। अब ये नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज ना, ये भी एक अपने आप में क्या है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ही है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल कंपनी रेड्डी है, रेड्डी लोग कहां होते हैं, साउथ इंडियन होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाउ अब यहां पर चेयरमैन का ऑब्वियसली नाम आपको याद रहेगा रेड्डी से, ठीक है, और सीएफओ कौन है इनका, सौमेन चक्रवर्ती, ठीक है। तो अब ये जो है ये इनके सीएफओ है। नाउ ये डॉक्टर रेड्डीज कंपनी करती क्या है, तो लेट्स सी, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी का अच्छा खासा मार्केट है, 190 मेडिकेशन से प्रोवाइड करती है, एंड सो एंड सो वही सब चीजें हैं। ठीक है, हमें चाहिए थोड़ा मसाला, मसाला क्या है क्वेश्चन के लिए, दिस एक्विजिशन मेड रेड्डी द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर रेनबेक्सी एंड ग्लेक्सो लिमिटेड विद अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूडेड बल्क ड्रग्स एक्सेट्रा। सर कौन से एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए पहले लाइन में कौन सा एक्विजिशन हुआ था, इट स्ट्रेंथन्ड इट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बाय अक्वायरिंग अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन 1999। तो यहां पर इनका एक्विजिशन जो आपको याद रखना है बच्चों, वो क्या है कि अमेरिकन रेमेडीज को किसने अक्वायर किया था, तो डॉक्टर रेड्डीज ने अक्वायर किया था 1999 के अंदर, और ये एक्विजिशन होने के बाद में अपन बन गए थर्ड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे कौन था, ऑब्वियसली रेनबेक्सी था, ठीक है, और दूसरी कंपनी कौन सी थी, ग्लैक्सो। उसके बाद में पोजीशन लिया किसने, डॉक्टर रेड्डी ने। तो ये एक्विजिशन आपको याद रखना है, यहाँ पर रेड्डी से आपको चेयरमैन का नाम याद रह जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कंपनी की हिस्ट्री कुछ खास है क्या दोस्तों, कंपनी की हिस्ट्री ये है कि ठीक है, बहुत ही जल्दी कम टाइम में इनको रिकॉग्निशन मिल गया इंडिया के अंदर, वो काफ़ी है। ठीक है, फिलोसॉफी में आइए, आप फिलोसॉफी क्या है, वर्किंग विद पेशेंट्स, हेल्पिंग पेशेंट्स, एड्रेसिंग अनमेट पेशेंट नीड्स एक्सेट्रा, ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको या ब्रांड आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये नाम आपने सुने भी होंगे। पहला नाम है सेट्रीन, नीस जेल, इब्यूक्लिन एंड नोविगान, ये ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो ये ब्रांड है जो डॉक्टर रेड्डी बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक बार पढ़ लीजिए, कभी क्लिक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बस यही बात है, इसमें ज़्यादा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस कंपनी के लिए यही पॉइंट याद कर सकते हैं कि एक्विजिशन कौन सा था, अमेरिकन रेमेडीज को किसने एक्वायर किया, डॉक्टर रेड्डीज ने किया, उसके बाद में वो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई आफ्टर ग्लेक्सो एंड रेनबेक्सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डॉक्टर रेड्डीज भी यहाँ पर हमारा कवर होता है। नाउ नेक्स्ट इज दोस्तों गेल, गेल इंडिया लिमिटेड, यानी कि 1984 में आई है ये। अब यहाँ पर ओनरशिप स्टेटस जरा ध्यान से देखिए, आप ओनरशिप ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यस। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर मार्क कर लीजिए कि गेल इंडिया लिमिटेड की आप बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरल गैस के एरिया में काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, और इनकी बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है जो थ्रू आउट द इंडिया 22 स्टेट्स में रन होती है, और इनका काम भी यही है। हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। तो गैस से आपको हमेशा याद आना चाहिए पोल्यूशन, पोल्यूशन से याद आना चाहिए आपको न्यू दिल्ली, तो आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, नाउ चेयरमैन इनके कौन है, भुवन चंद्रा जी त्रिपाठी इनके चेयरमैन है, एमडी है, सीईओ है, और फाइनेंस डायरेक्टर इनके सुबीर
जी है, ठीक है, तो इसमें कोई इतनी डिटेल वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। तो ये लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया के अंदर। ये क्या करते हैं, गैस ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। गेल वॉज कन्फर्ड विद द महारत्न स्टेटस। अब ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि महारत्न स्टेटस किसको मिला है, तो इट वॉज कन्फर्ड विद द महारत्न स्टेटस ऑन 1st of February 2013 एंड इट हैज मोर देन 70% मार्केट शेयर इन बोथ गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग। तो महारत्न का टैग किसको मिला दोस्तों, गेल को मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि लार्जेस्ट पाइपलाइन है, कितनी कैपेसिटी है, कितने किलोमीटर्स में है, सो एंड सो, गुजरात से चालू होता है जामनगर में और बाकी उत्तर प्रदेश में जाता है लोनी तक। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्सिडरीज है इसकी तीन, सो तीन नाम आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र है, गेल गैस लिमिटेड है और गेल ग्लोबल है सिंगापुर, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग ज्वाइंट वेंचर्स भी है, इतने सारे आप देख सकते हैं, तो इट्स ओके। अब यहां पर क्या है, गेल वन द प्रेस्टीजियस CII नेशनल वाटर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में यहां पर गेल को अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको याद रख सकते हैं गैस और वाटर के साथ में, ठीक है। तो वाटर के लिए मैनेजमेंट के लिए एक गैस कंपनी को अवार्ड मिला था, गैस एंड वाटर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ये बहुत लोगों की इंपॉर्टेंट और अच्छी चहेती कंपनी है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी, इन्वेस्ट करने के हिसाब से भी, वैल्यूएशन के हिसाब से भी एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आल्सो। सो HDFC बैंक की थोड़ी सी यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। देखिए अब जरा ध्यान से देखेंगे ना, 1994 में ये कंपनी आई है। देखिए आप बोलेंगे सर ये तो अभी अभी आई है, इतनी पुरानी है भी नहीं सर ये HDFC बैंक। तो सर ये मामला क्या चल रहा है, देखिए HDFC ग्रुप मुंबई, अब चेयरमैन इनके कौन है, आदित्य पुरी है MD, चेयरमैन है दीपक एस पारिक और शशिधर जगदीशन इनके CFO है, ठीक है। तो चलिए अभी इनको नाम याद करने की हम टेक्निक आपको बता देंगे, पर थोड़ा सा HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं कि HDFC बैंक है कौन, ठीक है। तो लेट्स सी, HDFC बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। HDFC बैंक इंडियन बैंक है, ध्यान रखिए, ठीक है। बैंक का बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट लीडर है किसमें, ई कॉमर्स के अंदर ये मार्केट लीडर है। अब दोस्तों यहाँ पर HDFC मार्केट लीडर है ई कॉमर्स के अंदर ही कैसे, तो आपको भी अभी पता होगा जितने भी ऑफ्स आ रहे हैं, जितने कैशबैक की स्कीम्स है, जितने भी डिस्काउंट ऑफर्स है, वो मैक्सिमम HDFC बैंक के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर HDFC बैंक ने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखे हैं, उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इज पेज़ैप। तो जिनका HDFC में अकाउंट होगा वो पेज़ैप यूज़ करते होंगे, उनको पता होगा, इस पे क्वेश्चन आया है, MCQ भी आया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसके और भी दूसरे कौन से प्लेटफॉर्म है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्कीम्स निकाल रखी है, जैसे 10 सेकंड पर्सनल लोन, 15 मिनट टू व्हीलर लोन, ई पेमेंट के गेटवे बना रखे हैं, 30 मिनट्स का ऑटो लोन, डिजिटल वॉलेट है इनका, ये सब चीज़ें हैं और ये बैंक सभी चीज़ों में यहाँ पर आगे चल रहा है। 80,000 करोड़ का दोस्तों इसका रेवेन्यू था 2017-18 में और ऑलमोस्ट 17,500 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना ज़्यादा बिजनेस ये करता होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 लाख के एम्प्लॉयज़ हैं, तो बहुत बड़ी एंटिटी है ये। तो पेज़ैप आपको याद रखना है यहाँ पे। आगे चलते हैं, कंपनी की हिस्ट्री कुछ नहीं, कंपनी की हिस्ट्री सिंपल है कि वो मनमोहन जी ने इसका उद्घाटन किया था, वर्ली में इसका ऑफिस था, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनका मिशन है टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, सब चीज के अंदर है ये। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इनको क्या बिजनेस में न्यूज में रहे हैं ये। तो यहां पर एक मर्जर हुआ था टाइम्स बैंक के साथ में 2000 के अंदर, सो HDFC बैंक वॉज मर्ज्ड विद टाइम्स बैंक इन फरवरी 2000 एंड नाबार्ड ने इनको क्या अवार्ड दिया था, बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच इन माइक्रो फाइनेंस अमंग प्राइवेट सेक्टर्स बाय नाबार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था HDFC बैंक फॉर यू, बहुत ही सिंपल, यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं नाउ, लेट्स सी, अभी हाँ नाम ये आपको याद रखना है अगर, तो दीपक एस पारिक है, ठीक है। तो दीपक से HDFC में डी भी आता है, सो दीपक एस पारिक का आप नाम याद रख सकते हैं, ओके। इसके अलावा इनके जो MD है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, CFO जो है वो शशिधर है, तो शशिधर जगदीशन ये आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया यहाँ पर HDFC बैंक 1994 में आया है। अब इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है दोस्तों
आईसीआईसीआई बैंक, और दोनों ही 1994 में आए हैं। देखिए 1994 में वो भी आया है, ये भी आया है, ये भी मुंबई है, और वो एचडीएफसी ग्रुप था, ये आईसीआईसीआई ग्रुप है ऑब्वियसली। ठीक है, आइए अब देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या है भैया। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लोगों को ये फुल फॉर्म याद नहीं रहता है तो आप इसको ध्यान से याद रख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड अ मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है अपने आप के अंदर। ठीक है, इसका भी वही सब दे रखा है, कितनी ब्रांचेज है, कितने ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है, दूसरी कंट्रीज में कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज है। नाउ इम्पॉर्टेंट बात इज द कंपनीज यूके सब्सिडरी हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश ब्रांचेज इन बेल्जियम एंड जर्मनी। तो यूके में तक इसकी सब्सिडरीज बनी हुई है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक आर लिस्टेड, तो ये लिस्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर एचडीएफसी का रेवेन्यू 80,000 करोड़ था, इसका 55,000 करोड़ है, थोड़ा सा नीचे है ये, बट बिलीव मी काम करने में और बिजनेस में दोनों एट पार चलते हैं। नाउ 1994 में ओरिजिनली इस बैंक को प्रमोट किया गया था, ठीक है, एज एन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वॉज इट होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, आईसीआईसीआई का शेयर होल्डिंग वॉज रिड्यूस टू 46% थ्रू अ पब्लिक ऑफरिंग ऑफ शेयर इन इंडिया इन फिस्कल 1998। अब दोस्तों हिस्ट्री में यही बात देखी हुई है बाकी के आईसीआईसीआई के शेयर होल्डिंग कैसे 46% से कम हो गई थी जब पब्लिक ऑफरिंग हुए थे 1998 में, फिर इक्विटी ऑफरिंग हुई किस तरीके से एडीआर के थ्रू, तो अमेरिकन डिपॉजिटर रिसीट जिसे बोला जाता है एनवाईएसई में, उसको वहां पर लिस्ट किया गया। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट, आईसीआईसीआई बैंक्स एक्विजिशन ऑफ बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड इन एन ऑल स्टॉक अमलगमेशन इन फिस्कल 2001। तो यहाँ पर अमलगमेशन आपको याद रखना है, कौन सा बैंक आईसीआईसीआई ने एक्वायर किया था, बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फिलोसॉफी नॉर्मल, पोर्टफोलियो नॉर्मल, म्यूचुअल फंड में है, क्रेडिट कार्ड में है, एवरीथिंग में, ठीक है, ये सब ठीक है। एंड बिजनेस इन न्यूज़ में कुछ नहीं, इनको यहाँ पर बिगेस्ट विनर एट आईबीआई बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला था 2018 के अंदर, सो इट्स ओके एंड इट्स फाइन। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, 6-7 कंपनीज हम अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगली कंपनी है हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब आप जानते हैं, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल न्यू दिल्ली, ठीक है, और ए के शर्मा और संजीव सिंह इनको संभालते हैं। ओके, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईओसी जो है इंडियन ऑयल कंपनी, ये लार्जेस्ट कमर्शियल इंटरप्राइज है। इंडियन ऑयल अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 50% इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उनका मार्केट शेयर इंडियन ऑयल के पास में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसकी सब्सिडरी कौन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL इसकी सब्सिडरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो क्रूड ऑयल के ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इंडियन ऑयल एकदम वेल सेटल्ड है और मार्केट शेयर को उसने कैप्चर कर रखा है। आगे चलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज इंडियन ऑयल कंपनी, पहले इंडियन ऑयल कंपनी था फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसको रीनेम किया गया 1964 के अंदर फॉलोइंग द मर्जर ऑफ इंडियन रिफाइनरीज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 विद इट। मिशन सिंपल है, फिलोसॉफी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोर्टफोलियो में आप यहां पर देख सकते हैं कि आईओसी है सेवरल रिफाइनरीज है, उसकी कहां का रिफाइनरीज है देख लीजिए, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात और भी दोस्त, मथुरा, पानीपत, इन सब जगह उसकी, यहाँ पर थोड़े अजीब अजीब नाम है तो आपको याद रहेंगे कि ये यहाँ पर इसकी रिफाइनरीज है ऑलरेडी। सब्सिडरीज की लिस्ट देखिए आप, तो यहाँ पर 3 सब्सिडरीज है, चेन्नई का नाम हमने आपको बताया है, ठीक है, क्रेडा बायोफ्यूल्स एक और है और कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड एक और है। ठीक है, फॉरेन में भी इनके पास में काफ़ी इन्होंने सब्सिडरीज क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। तो आईसीआईसीआई के बाद में इंडियन ऑयल कंपनी भी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप वही हाईलाइट करके अपनी बुक में रख सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से वापस हमने 6-7 कंपनीज इस वीडियो में पार्ट सेकंड में हमने यहाँ पर कवर कर ली है, 6-7 कंपनीज इंडियन कंपनीज हमने पार्ट वन में करी थी। अब बची हुई कुछ कंपनीज है 7-8 कंपनीज, वो हम पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। ब्रेक्स में इसलिए किया जा रहा है, आपको जब भी टाइम मिले आप यहाँ पर इनको पढ़ लीजिए, 6-7 कंपनीज कर लीजिए और आगे बढ़िए। सबसे लास्ट के लिए 3rd चैप्टर रखना है आपको, बाकी सब पहले करना है, मैं पहले वीडियोज में बोल चुका हूँ। तो इसको जब भी फ्री टाइम हो तो आप इसको यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि स्कोरिंग तो है दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें याद रह जाती है टिक करना है तो आप करके आ सकते हैं, बराबर है। तो जनरल नॉलेज भी अच्छा हो रहा है, पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो के लिए इतना ही, पार्ट सेकंड वीडियो यहां पर ही समाप्त होता है दोस्तों, पार्ट 3rd वीडियो भी इसका जरूर देखिएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंपनी शूट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों ये वीडियोस तो प्लीज ईकेडा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।